ब्राउन पेपर पर स्टाइलिश टॉप की कटिंग करना सीखेंगे। स्टाइलिश टॉप के लिए मेजरमेंट फुल लेंथ 28 इंच, एक्रॉस बैक 10 इंच, चेस्ट 24 इंच। इसी नाप के अनुसार हम आज टॉप की कटिंग करेंगे। फुल लेंथ प्लस टर्निंग, इसमें सीम अलाउंस हम नहीं रखेंगे क्योंकि तीरे पर हमारा कोई सिलाई नहीं लगती है, फोल्ड साइड होती है। जैसे इसको फोल्ड करना है मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर 28 इंच हमारी फुल लेंथ है, प्लस टर्निंग आप यहाँ कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ हमने 1 इंच रखी है, 29 इंच। एक्रॉस बैक 10 है, एक्रॉस बैक का हाफ करेंगे 5 इंच। चेस्ट 24 इंच, चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 इक्वल टू 7.5 इंच हमारी चेस्ट है। इसी नाप के अनुसार हम ब्राउन पेपर पर टॉप की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये जो ब्राउन पेपर लिया है इसको हमने 4 लेयर में इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ये 1, 2, 3, 4, ये फ्रंट और बैक दोनों ही पीस है। अब इसको फोल्ड कैसे करना है ये देखिए। ये लेंथ है और ये विड्थ है। सबसे पहले हमने लेंथ वाइज जितनी हमें लेंथ चाहिए हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमें चाहिए 29 लेके हमने फोल्ड कर लेना है। फिर जितनी घेर चाहिए उतना ही हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये हमारी फोल्ड साइड होगी और ये हमारी फोल्ड, ये ओपन, ये ओपन। तो अब हम इसके निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये फोल्ड साइड है और ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। अब हमें जो निशान लगाने हैं इसमें कुछ ज्यादा निशान नहीं लगेंगे। ये देखिए, ये हमारी यहाँ सिलाई नहीं लगेगी, इसको ऐसे ही रहने देना है। विड्थ की जब हम बात करें तो हमारी यहाँ चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5, यहाँ पर हमारी 24 इंच चेस्ट है, प्लस करने के बाद 7.5 हमारा निकल करके आया। तो यहाँ हम एक तो विड्थ लेंगे अपनी जो हमें चाहिए टोटल, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि सिलाई इसमें कफ्तान की तरह ही लगती है, बाहर की तरफ हमारा मार्जिन रहता है। यहाँ हमारा 7.5 इंच होगी चेस्ट। तो एक तो विड्थ हमें ये चाहिए और इसके अलावा हमें प्लस करना है 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच तक हम ऐड कर सकते हैं। तो 7.5 में प्लस करना है, ये हम 4 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.5। या फिर हम जितना हमारा कपड़े का अर्ज है वो भी रख सकते हैं अगर हमें ज्यादा विड्थ चाहिए तो। ज्यादा रखनी है ज्यादा भी रख सकते हैं। तो ये वाली मान लीजिए 36 इंच का हमारा कपड़े का अर्ज है, उसका हाफ रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, या इतना भी सफिशियंट है। इससे ज्यादा आप 6 इंच तक भी रख सकते हैं। यहाँ जो हमने 4 इंच किया है आप 6 इंच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब 6 इंच ऐड करोगे ये लेना है, और यहाँ हमने 4 इंच किया है, यहाँ पर आप 6 इंच ऐड करेंगे। तो 6 इंच इसमें हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 13.5। ये दो तरीके हैं, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं कम भी रख सकते हैं, जितना आपको घेर चाहिए आप उतना इसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फोल्ड साइड की तरफ, ये भी फोल्ड साइड है ये भी, यहां पर हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। नेक विड्थ लगाएंगे हम यहाँ 2 इंच पर, लेंथ के लगाएंगे 2.5 पर, और इसको हम यहाँ पर शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारी 2.5 इंच और ये है हमारी 2 इंच। ये शेप करने के बाद ये हमारे बैक नेक की विड्थ और लेंथ हो गई। अब फ्रंट के लिए विड्थ उतनी ही रहेगी, सिर्फ हमें लेंथ बढ़ानी है। लेंथ हम यहाँ 3.5-4 इंच तक कर सकते हैं, ज्यादा रखनी है ज्यादा भी हम यहाँ पर लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर फ्रंट नेक लेंथ का निशान लगाया। अब हमें यहां हमारा जो तीरा है 5 इंच है, तो यहां से 5 इंच का निशान लगाएंगे
पांच इंच का निशान लगाने के बाद चेस्ट जितनी भी निकल करके आई हमारी साढ़े सात इंच पर हमने यहाँ ये निशान लगाया, ये 7.5 इंच पर लगाया। आर्म होल हमारा यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना जितना हमारा आर्म होल होता है। आप इसमें पांच तीरा लिया है, इसमें थोड़ा लूज आर्म होल होता है तो इसलिए यहाँ पर हम 6-6.5 इंच तक मान लीजिए हमारा आर्म होल का यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये जो 7.5 हमने निशान लगाया है ये हमारी सिलाई के लिए लगाया है। ये जो ओपन साइड है, ओपन साइड से हम यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे, 4-4.5 इंच पर इस तरीके से कॉर्नर से यहाँ पर यूं निशान लगाएंगे। 4-4.5-4-4.5 तक हम निशान लगाते हैं। ये निशान लगा करके हम इसकी शेप करेंगे ऐसे, ये गोलाई करने के लिए। ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया, मान लीजिए हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया, 6 इंच एक्स्ट्रा लिया, कहाँ से? ये 7.5 से, यहाँ से ये हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, उस मार्जिन पे हम ये ला करके सेव करेंगे। यहाँ पर हम 3.5-4.5 इंच तक इस कॉर्नर से निशान लगाते हैं ये, और ये सेव कर देते हैं। अब ये सेव करने के बाद यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच ऊपर आएंगे, 1.5 इंच ऊपर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर आना है, और ये हमने विड्थ जितनी यहाँ रखी है 7.5-7.5 ही हमारी यहाँ से यहाँ तक विड्थ होनी चाहिए। और ये निशान जो है हमारा, आप यहाँ पर हल्की फिटिंग भी कर सकते हैं, ये इसको सीधा मिलाएंगे ऐसे। आप चाहे तो कमर का अगर नाप है तो ये यहाँ पे हल्की हल्की इस तरीके से फिटिंग की शेप देते हुए, और ये हम सिलाई जो लगाएंगे या तो आप सीधी लगा सकते हैं या हल्की सी फिटिंग की इस तरीके से लगा सकते हैं कमर के हिसाब से। कमर यहाँ, चेस्ट हमारी यहाँ 7.5 है, कमर हमारी मान लीजिए 7 इंच है, 1/2 इंच का हम ये निशान लगा के और ये हम इसकी शेप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से सिलाई इसमें लग सकती है, या तो आप सीधी लगाइए या आप शेप करके, दोनों तरीके से लगा सकते हो। तो ये हमारे टॉप के सभी निशान लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, विड्थ या तो हम कपड़े के अर्ज के अनुसार या फिर हमारी जितनी छाती का मेजरमेंट आता है हमारे यहाँ 7.5-7.5 में हम यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, 4 इंच भी रखते हैं, 6 इंच भी रखते हैं, 5 भी, जितनी हमें एक्स्ट्रा चाहिए इस 7.5 से आगे ले जाते हैं और उतना ही हम कपड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 इंच लिया है तो यहाँ से यहाँ टोटल हमारे 11.5 इंच है, और यहाँ से कॉर्नर से 3.5 इंच पर निशान लगाना और ये सेव कर देनी है। ये हमारे सभी निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से अब हमने ये जो नीचे सेव की है इसकी कटिंग करेंगे। ये यहाँ पर ऐसे इसकी कटिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको खोलना है ऐसे ऐसे खोल करके, और फ्रंट नेक की कटिंग करनी है हमने। ये फ्रंट है हमारा, फ्रंट पीस को उठाएंगे ऐसे, ये देखिए ये हमारा टॉप कट चुका है। अब ये कटने के बाद इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसमें करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ हमें गला फिनिश करना है। ये हमारा नेक है, नेक पे पट्टी लगाएंगे, पाइपिंग लगाएंगे, फेसिंग लगाएंगे या कोई लेस लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे। और ये जो है हमारा पूरा यहाँ पे हमने या तो हम पाइपिंग निकाल सकते हैं कंट्रास्ट डिजाइन देने के लिए, या मोड़ सकते हैं हल्का हल्का जो हमने टर्निंग के लिए ले रखा है 1 इंच, या फिर हम इसमें पाइपिंग फेसिंग कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना क्या है, ये जो मैंने निशान लगाया ये वाला फिटिंग का, एक फिटिंग का इधर लगेगा और एक फिटिंग का इधर लगेगा, और ये वाला हमारा जो है बाहर रहेगा, सीधी तरफ लगेगा ये सिलाई। अब यहाँ सीधी तरफ लगानी है। अब इसमें आपको टाई बांधनी है, बेल्ट बांधनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कमर पर 1 इंच की, जब आप सिलाई लगाओगे यहाँ सिलाई लगाते हुए 1 इंच को खुला छोड़ना है,
जैसे स्लिट बनाते हैं वैसे ही इसको हम जैसे पॉकेट को खुला छोड़ते हैं ऐसे ही खोलना है और उसकी फिनिशिंग करनी है इधर भी और इधर भी। तो ये हमारे स्टाइलिश टॉप की कटिंग कंप्लीट हुई।